Hi, Kaustal. How are you? Hi, sir. How are you? All good. How's it going? Everything is good. Hello, everybody. सबको पता है सलील सर इंडिया के लिए एंड एक्टिंग भी करते हैं. तो सबको बताना चाहूँ कि सलील सर मुंबई एंड महाराष्ट्र के लिए रणजी खेले हैं. और सबको पता है कि अभी फिलहाल जो शनि जो सीरियल हो रहा था उसमें भी सर थे सूर्यदेव के रोल में. तो वेलकम सर. Hi man, Kaustal. बोलो, how's it going? Lockdown कैसे चल रहा है? Lockdown कैसे चल रहा है तुम्हारा? All going well? Lockdown. वही live show चालू है. बाद में cricket coaching भी कर रहा हूँ मैं. And मेरा खुद का cricket भी चालू है. Fitness and all. Nice. Good to hear that. आपका तो देख रहा हूँ मैं. आपका training चालू रहता है. क्या करे यार, the gyms are off. अभी देखते हैं अभी cricket कब शुरू होता है. Let's see. ग्राउंड पे जाके जॉगिंग तो कर सकेंगे. ओके सर, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? कौन से एज में आपने क्रिकेट स्टार्ट किया था और जर्नी कैसे था रणजी तक? आई स्टार्टेड सी कैसे हुआ था ना कि मेरे फादर ही वाज इन द पुलिस, ही रिटायर्ड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई. तो जब मैं छोटा था तभी हम लोग बहुत छोटे जगहों पे रहते थे, नंदुरबार, अमरावती और नासिक, पुणे एंड ऑल दैट स्टफ. दैट टाइम नासिक, पुणे वर द सिटीज, नंदुरबार, अमरावती और बहुत सारे छोटे शहर थे. अभी बड़े हो गए तो बचपन से ही आई यूज टू बोल फास्ट. आई मीन आई यूज टू लाइक बोलिंग फास्ट. बचपन में एक्चुअली ऐसा लगता था कि यू नो टेनिस बॉल लेके बच्चों को, तो मैं पहले से ही थोड़ा फास्ट था ही तो बच्चों को डराता था. तो मुझे बहुत मजा आता था. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट देन द होल थिंग स्टार्टेड गेटिंग सीरियस. माय फादर सेड वांटेड मी टू बिकम अ क्रिकेटर. तो द होल थिंग स्टार्टेड वेरी गेटिंग वेरी सीरियस. तो जब वो सीरियस होने लगा ना क्रिकेट, तब मेरा इंटरेस्ट जाने लगा. यू नो, क्योंकि मेरे को क्या करने का था, आई जस्ट वांटेड टू डू गो ऑन द ग्राउंड, डू मस्ती, बॉलिंग करो, मस्ती करो, आ जाओ. पर सीरियसनेस में फिर क्या होता है कि यू डू get into shadow training, you get into off the field training, उसके ऊपर then you know you got to perfection, technique perfection में घुसो. मुझे बोला यार ये तो क्रिकेट नहीं है, ये तो I mean this is like मजूरी बहुत है इसमें. This much I don't want to do it. But then हम लोग पुणे में आए and that is way long back. I'm talking about पुणे में first time मैं आया तभी it was in 1983. So that is almost like about what 40 years back. Probably people who are 90% of the people who are watching me were zygotes that time, you know. So Pune mein aaya to then like you know tabhi hamare ek then I started nahi first Bombay mein tha. Bombay mein I was practicing under Luma Kenny sir, ek hamare bahut acha coach the, a very senior coach, very well known coach of Mumbai. And tabhi unke sath jab tak khel raha tha na, tab tak I was absolutely happy because he used to let me play the game, not train me ki you know ye karo wo karo shadow practice karo and all. But then I got a break, then papa ka transfer ho gaya Pune mein, he went over there, so I joined this Pune club, you know. To Pune club mein hum mujhe ek bahut hi strict coach mile, Mr. Kamal Bhandarkar. Ye Sachin sir ke coach bhi reh chuke hain और उन्होंने उनको काफी हेल्प किया था. तो माय फादर वाज वेरी यूज्ड टू ही वाज वेरी क्लोज विद सनी सर. तो उनको पूछा तो सनी सर ने बताया था कि इनके पास कोचिंग के लिए लेके जाओ. जब मैं कोचिंग के लिए गया वहां पे तो पहले तीन महीने, पहले एक दिन तो मुझे बॉलिंग डालनी थी, जब तक मैं थक गया तब तक बॉलिंग का करते रहा. लेकिन वंस आई फिनिश बॉलिंग द नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिम, ही सेड नेक्स्ट थ्री मंथ्स यू आर नॉट गोइंग टू बॉल एट ऑल. ओके ठीक है. तो फिर मुझे लगा कि ना को शायद कोई गलती कर दी मैंने, पनिशमेंट दे रहा. मैंने ठीक है चलो इधर नहीं, बाद में जाके किसी के पास जाके बोलिंग करूंगा. बट देन ही मेड मी डू शैडो प्रैक्टिस. आई डिडंट हैव अ जंप इन माय एक्शन, यू नो, व्हेन यू रन अप. सो ही गॉट माय जंप इन माय एक्शन व्हिच हेल्प्ड अ लॉट लेटर ऑन.
बट फिर तभी फिर वो इरिटेटिंग लगा था तो मैंने बंक करना शुरू कर दिया था प्रैक्टिस एंड ऑल. एज डेज प्रोग्रेस दैट वी वेंट टू नासिक, नासिक में मेरा एक्चुअल क्रिकेट शुरू हुआ विद ऑल माय फ्रेंड्स, यू नो, विनोद शाह, रणधीर और रॉय और संजय जोशी करके थे, अब्राहम जोसेफ, ऑल दिस पीपल, वी वर अ गैंग. सो सिर्फ क्रिकेट एंड मूवीज एंड वॉचिंग मैचेस. Then my interest started developing. Then I got selected for under 19. That's when I thought to myself, under 19 select hua, tabhi bhi theek nahi, theek tha. But once I got selected for under 19, then I got selected for West Zone under 19, you know. Then I thought to myself, ki I'm good. And chalo, let's take it seriously. And then of course, we started, I started training for this and all. And then I made my Ranji debut, I think in 1988. That was from Maharashtra. लेकिन रणजी डेबी के पहले भी एक बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई थी विच ऑलमोस्ट एंडेड माई क्रिकेट, बट आई केम आउट ऑफ दैट इंजरी एंड देन आई प्लेड रणजी ट्रॉफी. आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर मुंबई रणजी, बॉम्बे रणजी, इट वॉज बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम दैट टाइम. सो आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर बॉम्बे, लेकिन पॉली उमरीकर सर ने बोला कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि सलील इज अ गुड प्लेयर बट आई डोंट थिंक ही विल फाइंड प्लेस इन द साइड. सो आई थॉट इट बेटर दैट आई प्ले फॉर मुंबई, जब वहां पे कुछ खाली हो जाएगा, कोई इंजर हो जाएगा तो घुस जाऊंगा एकदम, यू नो, कम बैक टू मुंबई. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एक्चुअली, दैट वाज माय जर्नी इन शॉर्ट. पूरा बताते जाऊंगा तो पूरा सेशन ही एंड हो जाएगा पूरा. वो तो है. सर, मुंबई क्रिकेट के बारे में बताओ जरा. आप जो खेले थे वो टाइम में मुंबई स्ट्रगल कर रही थी रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए, कि ऑलमोस्ट 10 साल के बाद रणजी ट्रॉफी जीती थी 93-94 में. तो वो टाइम में क्या ऐसा स्ट्रगल क्यों हो गया और बाद में एक बार चैंपियनशिप हो गई, चैंपियनशिप जब चैंपियन हो गए मुंबई, तो वो टाइम के बाद कंटिन्यू जीतने लगी, तो आपको क्या लगता है वो रीजन? सी, आई विल टेल यू वन थिंग, कि जब हमने आई थिंक वी रीच द फाइनल्स इन 1992 अगेंस्ट हरियाणा, वो बहुत सालों के बाद, या वी लॉस्ट बाय 1 रन, यू नो, तो that was a fantastic match. We wanted to win this match, and like, you know, it was like the great Kapil Dev was also there, and of course we had our the god of cricket was playing for us, Sachin, and Vinod was there, Manji was there, then I think Chandu was there keeping, Lalu was there, and who else were there, a lot of other guys were there. Abhi made his debut I think in that match, and we had a good, fantastic attack. We had good everything. Like in that, we lost by 1 run. Okay. We could have won the match. Because I think, like, you know, I had, in fact, when my batting had come, I told Sachin, you know, I'll try and win this match here. I'll be there. Let Dilip Bhai score at will, you know. So he played a fantastic knock, Dilip Bhai. And I still remember I got caught and bowled at 35. I was batting really well. तो मारने को गया, आई वॉज थिंकिंग, डबल माइंड हो गया कि सिक्स मारू क्या बॉलर के ऊपर से निकल. सो आई गॉट कॉटन बॉल, सो वहां पे वी लॉस्ट इट. बट देन आफ्टर दैट, यू नो, व्हेन सचिन टुक ओवर, सचिन इज वन गाय दैट आई प्लेड अंडर रवि ऑल्सो. रवि वॉज अ फैंटास्टिक कैप्टन. वी आई थिंक वी वन इन हिज कैप्टनसी ऑल्सो, एंड आई थिंक वी वन ट्वाइस, इजंट इट, आफ्टर दैट, और वी वन वंस इन व्हाइल वी प्ले. 93 के बाद लगातार 3 साल कुछ तो जीते थे संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, एंड इवन रवि वाज द कैप्टन वंस ना व्हेन वी वन फर्स्ट टाइम. जब 10 साल के बाद जीते तभी रवि कैप्टन थे, ठीक है, बाद में मांझी था, बाद में सचिन था ना. या सी, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस वाज लाइक, यू नो, कि रवि टुक अप द कैप्टनसी ऑफ मुंबई. रवि का कैप्टनसी, ही इज वन प्लेयर आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, लाइक, यू नो, आई हैव नेवर सीन अ फैंटास्टिक कैप्टन, अ गाय हु थिंक्स अबाउट द गेम सो वेरी वेल एज रवि. फैंटास्टिक रीडर ऑफ द गेम, एंड नाउ यू कैन सी हिम आल्सो, ही इज एट द हेल्म ऑफ क्रिकेट, ही इज द कोच ऑफ द इंडियन टीम, एंड फैंटास्टिक टीम मैन, फैंटास्टिक गाय टू बी विद. आई मीन, ही इज सो फ्री एंड ही विल नेवर मेक यू फील लाइक ही इज द captain or he is the most, he was one of the most senior, he was a legend that, at that time, you know, in 93 ki baat kar raha hu main, 93 mein then we were like about 25-26 years old. Ravi was already the champion of champions. After that, you know, we were jab TV mein dekhta tha uske sath mein khel rahe, we were like, we used to look up to Ravi, you know, and he changed the attitude of our whole thing, you know, our attitude, the way we used to think about the game and all that stuff.
it was no longer like, you know, even of course, like, you know, when with Haryana, I think when you were playing, I think Dilip Bhai was the captain, isn't it? So when Ravi came in, it was never like that, you know, senior, junior, kuch nahi tha. It was, you are a part of the team. You're going to do, we are going to be like guys. We're going to be like mates. And we used to be off the wicket or the field also. We used to hang around, mix around, have fun and all that. So that's what matters a hell of a lot. You know, because once you go above 18, 19 years old, you got to be as one. You can't be like, you know, senior. So Ravi ne wo, he broke those shackles. He was a different attitude guy. That got inculcated. Everybody started playing their game. They're, you know, performing to the optimum. Then Manji also came in. Manji was a little stricter than Ravi. But then after that, you know, Sachin also came. Sachin was one guy I have never seen any other captain like Sachin. Because I'll tell you one thing. When we used to have home games, we used to make sure that we make green top wickets, no matter who's playing. Whether it will be the any fast bowler from the other side, didn't care. He said, I want green tracks, and it made life good for us. You know, me, Happy Paras. We were like the guys in Bichara, Sairaj and Nilesh and all, they used to struggle. Like, you know, humko bowling mile, jaldi jaldi hum log wicket nikalenge. Nahi to main Paras aur Abhi mein hi khatam ho jata tha pura. So, you know, Sachin made sure, like, you know, because he used to say, ke, you know, ke when we go abroad and when we play abroad, England, Australia, wherever we go, South Africa, the wickets are hard, the ball seams. So it's a good practicing in the nets and practicing a match practice is totally different. The attitude is totally different. Right. Either aap 10 bar out hote ho, wahan pe ek hi bar out hote ho. Yahan pe udhar, you know, your analysis also, bowling analysis gets shackled that way. So, you know, that attitude, the whole attitude towards the game changed once Ravi took over as a captain, and then it continued for quite a while, actually. Like Sachin came in, then Manji came in. Sachin took over the reins for quite a period of time. And then, of course, like, you know, I'm not really happy the way our Mumbai team is struggling nowadays, you know. Maza nahi aa raha. Okay. Again, Salil, Paras and Abhi. Ye team wo time mein maine to bahut matlab har baar fast bowler ke bare mein baat hua to ye team. Normally aise har team mein ek ya do fast bowler rehte the jo India khelte. Par hamara jo tha usme sab teenon ke teenon khelte. Even bowling attack mein Sairaj Bauchi ne everybody played for the country. Yeah. तो वो टाइम में मतलब क्या मतलब अपने सबसे ज्यादा तेज कौन था, अभी सर आप या पारस? See, I'll tell you one thing. We all were three different bowlers. When comparing to speed, I mean, it becomes very unreasonable comparing ourselves to speed and all. Because Abhi was one guy who, like, you know, the first day I saw him in the nets, and me, Sachin and Manji, we saw him. I was like, ye kon aa gaya hai, West Indian kon aa gaya? And the company started bowling. He had a very zippy action, and he had an unnatural lift of the good length, you know. Right. Short of good length, he used to make us play. Every ball was here. So that was very different to see. Paras was a very wily bowler, relied more on, you know, used to try and get the bat, used to work on the batsman, get him out. He relied more on swings. He was more like that Terry Alderman of Australia. So he was more like that. Me, I used to be skiddy, I used to be nippy, I used to be fast, and I was always at the batsman. I mean, I used to love ki batsman out na ho, lekin injured zarur ho jaye. That was my motto in playing cricket. So we were all different kind of bowlers. We had, uske pehle we had a bowler called Raju Kulkarni. You know, fantastic bowler. Yaar. I mean, like, you know, bowler to chodo, fantastic all-rounder. What a batsman and what a bowler also. So these are the kind of bowlers, like, you know, ठीक है, लेकिन हमारे एरिया में हम लोग तीनों साथ में खेले. साईराज भी फैंटास्टिक गाय, आई मीन व्हाट अ गाय, लाइक यू नो, गेट्स इंजर्ड ऑफ द फील्ड, इज नॉट सपोज टू वॉक और प्ले एवर अगेन, कम्स बैक एंड प्लेस फॉर इंडिया. व्हाट अ स्टोरी मैन. एंड ऑफ कोर्स नीलेश इज अनदर गाय. आई मीन 6 feet, आई डोंट नो हाउ मेनी इंचेस, ऐसा ऊपर देखते जाओ. वो पंछी और नीलेश और अभी दिखते थे, तो बच्चे कावड़े वगैरह दिखाई देते थे.
So those guys were different. I mean, it's a good thing that we all played for India. In fact, Manji was there, Sairaj was there, Dilesh, Vinod, Sachin. I mean, it was a fantabulous side. Meko to lagta actually, if I'm not talking out loud, we could easily give a good run for the money. I mean, the Indian team were run for the money that time. Right. Yeah. That was a thing. ओके तो मफतलाल कैंप हुआ था वो टाइम में जो भी मैंने देखे कि बल्लू सर कोच थे एंड टाइसन सर कोच थे तो वो टाइम में ऐसा क्या चेंजेस हो गया सब पूरे की बॉलिंग बॉलिंग में जो भी डिफरेंस आया स्पेशली वहां से आया ठीक ऐसा है ना कि मैंने डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में 1988 में सो एंड 1986 में आई स्टार्टेड प्लेइंग अंडर 19 तो हम वो जो एरा था फ्रॉम 86 टू 92 वाज बीसीए मफतलाल कैंप ओके माइंड यू ऐसा नहीं था कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते थे वी नेवर यूज्ड टू डू साइंटिफिक ट्रेनिंग बिकॉज हमको पता ही नहीं था कि साइंटिफिक ट्रेनिंग क्या है मैं भागता था आई टू रन 10-15 किलोमीटर एवरी डे वहां पे जाके आई टू कट वुड डिग द ग्राउंड ये मेरे फादर ने पढ़ा था कहीं तो भी पढ़ा था कि दैट बोल हैरल लवर्ड यूज्ड टू डू इट बिकॉज़ ही वाज अ माइनर सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज एक्सरसाइज तभी हुआ करता था एक बुक यू नो द आर्ट ऑफ फास्ट बोलिंग बाय डेनिस लिली सो यूज्ड टू रीड दैट आई यूज्ड टू वॉच द मैचेस यू नो द बेंसन हेजेस मैचेस के कैसेट्स आते वीसीआर कैसेट्स आते थे द होल डे वी यूज्ड टू डू दैट We never knew what is scientific training. We never knew what muscle to build. मेरे को पता ही नहीं था sit-ups तो मेरे को पता ही नहीं था कि sit-ups करना होता है, you know, for your stomach. I had no idea. If I had an idea, I would do it. Injury होने के बाद मुझे पता चला कि sit-ups कैसे करते. So ये नहीं था कि हम लोग training नहीं करते थे. The thing is, we used to overtrain. You know, weights भी करो, ये भी करो, वो भी करो, सब पूरा खिचड़ी बना के training करते थे. 89 I made my debut. After that, the whole season of 90, I was injured because I tore my gluteal muscle. Gluteal muscle itna stiff ho gaya tha because of too much of, you know, I used to do a lot of squats and weights and all this stuff. To pata nahi tha. But then comes Mr. Tyson. Okay. The great Frank Typhoon Tyson. I owe my cricket after 92 to him. He comes, he changes my attitude totally, gets into scientific training. There were three people over there. Frank Tyson, sir, Ballu Paji, and Mr. Jayantilal Keene. Ah. These three people. Jayanti, sir, also one hard taskmaster. वो मीठा मीठा बोल बोल के ना 100% वो सब कुछ करा लेता था हमारे से नहीं नहीं सर आज जाना था नहीं नहीं कर ले करके हो जाता था भाई करते रहो वी यूज्ड टू ट्रेन लाइक मैड आई मीन एंड लाइक यू नो दे वर लाइक वी आई वाज देयर अभी वाज देयर पारस वाज देयर वी ऑल वर अ गैंग यू नो राजेश कदम वाज देयर सो मेनी पीपल वर देयर देन वी गॉट इनटू साइंटिफिक ट्रेनिंग की करना क्या है ऑफ सीजन एंड हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ डाइट तो इतना पता ज्यादा हम लोग घुसे नहीं बिकॉज यूज टू ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन बट वंस वी आई केम टू नो अबाउट साइंटिफिक ट्रेनिंग देन द पीरियड फ्रॉम 92 टू 97 टिल माय क्रिकेट एंडेड आई डिडंट हैव इंजरीज एट ऑल मींस एट ऑल इट वाज जस्ट दैट इन एंड आउट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम दैट्स द ओनली थिंग व्हिच केप्ट ऑन हैपनिंग आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई बट वंस आई केम टू नो साइंटिफिक ट्रेनिंग और हमारे में क्या था कि 1989 में भी हमारे 1988 में 1989 में जब मैं हमारे सीनियर फास्ट बॉलर इंडियन क्रिकेट की टीम के जो भी हो मैं नाम नहीं लेना चाहता जो भी हो कि हम लोग पूछते थे कि क्या करना चाहिए द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू हेल्प आउट वाज मनोज प्रभाकर बाकी तो कोई हेल्प नहीं करता था यानी कभी कभार तो ऐसा हुआ कि अगर उन्होंने कुछ एडवाइस दिया तो वो मैं करता था बाद में पता चलता था ये गलत है यार उल्टा करो इससे द एडवाइस वाज आल्सो नॉट राइट सो वंस यू गेट टू नो साइंटिफिक ट्रेनिंग नाउ तो द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट यू नो एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिक सो फ्रैंक टायसन के आने के बाद तो बहुत बहुत फर्क पड़ा आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो द वे वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द गेम ऑल्सो
जब आपका डेब्यू हुआ था वो भी सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था, तो आपको कैसा फील हुआ था वो टाइम पे? आपको जब भी कॉल आया रहेगा कि आप इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए, तो वो टाइम में कैसा फील हुआ? अरे आई मे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट अ कॉल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज वॉट हैपन वॉज आई टुक सो मेनी आई टुक राउंड अबाउट 37 विकेट्स इन 5 मैचेस इन द रणजी ट्रॉफी सॉरी देन आई प्लेड द वेस्ट जोन आई टुक विकेट्स ओवर देयर बट आई वॉज नॉट पिक्ड अप फॉर द ईरानी ट्रॉफी फॉर दैट टाइम सो ईरानी ट्रॉफी को वो पिकअप नहीं किया तो मैं बोला कि चलो यार छोड़ो आई डोंट थिंक लेव यू नो दे आई डो स्टैंड चांस फॉर गेटिंग कॉल फॉर द पाकिस्तान Tour and all that stuff. But suddenly Nice. then that time even Atul Vasan had taken 4 wickets in the Irani Trophy. So I thought like Atul jaane wala hai. And fantastic. ठीक है चलो यार I'll keep on playing. I'll work hard and all that stuff. Keep on playing. Suddenly like you know I get a call like you know it is out of the blues. First thing foremost I felt that you know I should have played the Irani Trophy. अगर ईरानी ट्रॉफी नहीं खेला खेलना चाहिए था और उधर भी विकेट्स निकाल ही लेता था मैं आई नो माई सेल्फ बट गेटिंग अ कॉल विदाउट प्लेइंग ईरानी ट्रॉफी मे बी अ लॉट ऑफ हेड्स टर्न्ड यू नो कि ऐसा कैसे हुआ समथिंग अननेचुरल कैसे हुआ सो बट आई वॉज हैप्पी आई डोंट केयर वॉट एवरीबडी थिंक्स है तो दुनिया में तो गंदा सोचने वाले तो बहुत ही रहते अच्छे सोचने वाले कम रहते तो आई गॉट बी लाइक यू नो वी वेंट ऑन द टूर इट वॉज अ फैंटेस्टिक टूर इट वॉज अ वेरी टफ टूर बट मजा आ गया ओके आपको मुंबई में वो टाइम में सबसे ऑलरेडी सब लोग इंडिया खेले थे, तो आपका बेस्ट कंपनी में कौन? हम लोग सब लोग साथ में ही रहते थे यार यू नो मी अभी पारस साईराज नीलेश ये हमारा कामली था नहीं था यू नो विनोद एंड सचिन जब भी सचिन सैच को टाइम मिलता था तो यूज्ड टू हैंग अराउंड टुगेदर एंड ऑल दिस स्टफ बट दीज एंड ऑफ कोर्स अमोल मुजुमदार आई शुड नॉट फॉरगेट अमोल सो मी अमोल साई नीलेश अभी पारस We all used to be hanging around together because most of the time हम लोग used to play for Mumbai. Then most of this chunk of players used to get selected for West Zone. So हर जगह पे साथ ही रहते थे. And I think like you know, because I think yeah that was office cricket. Of course they were playing for different sides. But Mumbai and West Zone we used to be together most of the time. Even Jatin Parans पे. Jatin was also one of the gang. Time pass मस्त हम लोग करते थे यार. आपको कभी सुनील गावस्कर सर के साथ खेलने मिला? सनी भाई सनी सर के साथ खेलने मिला यानी ऐसे क्या था ना कि जब मैं माय डैड वाज स्टेशन्ड इन ही वाज अ डीसीपी ऑफ मुंबई एट दैट टाइम इन आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 79 और 80 और समथिंग ऑफ द सो आई वाज अराउंड अबाउट 10 12 इयर्स ओल्ड सो माय फादर सनी सर यूज्ड टू प्ले फॉर निर्लॉन नेट्स यू नो यूज्ड टू प्ले फॉर अ कंपनी कॉल्ड निर्लॉन निर्लॉन सनी भाई वाज देयर I think Sandy is also Sandeep Patil was also there. So many other players, Suru Naik, Sandeep Patil, everybody used to be there. Kadu Bhai used to be there. So I used to go to the Nirlon Nets. You know, मेरे मदर का मुंह बोला भाई था मिस्टर हेमंत वाइंगड़कर whether you know him or not. So हेमंत दादा आई टू कॉल हिम हेमंत दादा तो हेमंत दादा के साथ आई टू गो टू द ग्राउंड एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू द प्रैक्टिस एंड ऑल आई टू ट्राई बोलिंग हिम बट लाइक यू नो तभी आई डिडंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट सो मच यू नो मैं 12 साल का बच्चा आई डिडंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी क्योंकि तभी क्रिकेट तो टीवी पे दिखता नहीं था यार कॉमेंट्री सुनते थे कॉमेंट्री में सुनता नहीं था सो द थिंग इज लाइक यू नो आई नेवर रियली न्यू सनी भाई क्या है चीज है बट नाउ ऑफ कोर्स आई रियलाइज दैट तो तब बहुत छोटा था तभी खेला था नहीं, मैं भी उनके वीडियोस देखता हूँ, जब भी देखता हूँ कितना इजीली खेल रहे विदाउट हेलमेट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बॉलर्स, तो बहुत इजीली मतलब ऐसे आराम से बच्चे लोगों को खेल रहे थे, तो हाँ हाँ बोलिए। सॉरी 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 आई नहीं इंटरप्टेड तो वही मतलब एटलीस्ट जितना अभी के जो भी टॉप क्रिकेटर्स हैं जो तो भी स्ट्रगल करते हैं, उनका जो बैटिंग है, जो छोटे का स्टाइल, जो डिफेंस है, और जो भी शॉर्ट स्लीप स्क्वेयर कट बहुत इजीली मार रहे थे, मतलब वो अलग ही क्लास था। तो आपको क्या लगता है? सी आई टेल यू वन थिंग आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड दैट सनी भाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन एवर यू नो ओपनिंग बैट्समैन व्हाई फॉर दैट मैटर I'm talking about Sunny Bhai was there. Then I'm talking about Vivian Richards were there. The
type of cricket of these two players, totally different. Exactly. I'm talking about even Sandeep Patil for that matter. I'll talk about all these three players. Now, Sunny Bhai for that matter, he played the best and the best of the lot of bowlers. Malcolm Marsh, Andy Roberts, Holding, Garner, Imran Khan. I mean, Imran Khan was slower than most of these guys, but Imran Khan, Dennis Lilly, Bob Willis, so many, Rodney Hogg, you name it, and they were like, you know, tons of fast bowlers that time. Who used to be ruthless. I mean, aajkal to bahut rules aa gaye, you know, aisa lagta hai ki kindergarten cricket chal raha hai. You know, ki the cricket used to be ruthless that time. There was no leniency on bouncing. There was no leniency. There was no helmets. iPad hota tha, shayad nahi hota tha. I have no idea. Only pads, wo bhi Sunny sir Morans ke pads pehnte the. That too, saala ek ball lag jaye. I don't know how Sachin played all his life with those. Maine ek baar try kiya tha, wo pair ko lag gaya. I couldn't walk for 1 week, so maine chhodi diya. I mean, not of course that I was a batsman, but just imagine with that kind of pads. And Sunny sir ka kya tha na, he used to watch the ball very close to his body. He always used to watch the bouncer go. He used to watch the bouncer go all the side, you know. So that's a sign of a great player. That means how much time he's got, you know. And he very rarely, Sunny sir, I've seen him ducking. He's always swayed away, you know. He's watched the ball to the keeper's gloves. So these were the kind of batsmen at that time. That's why regard Sunny sir one of the greatest. Mere liye to he's one of the best and the greatest players. Uske baad phir aate, then you know, we are talking about Rahul Dravid and we are talking about Sachin and all. Of course, Sachin has done his way, fantastic records and everything. But for this matter and that time, like, you know, there used to be a skull cap. Mostly 90% they used to be wearing those, you know, Panama caps all the time. So, I mean, the hats off to these guys. Even Sandeep Patil for that matter, he got struck by Lenny Pasco bouncer. I mean, I don't know whether you've seen that. He went into coma. Coma? One whole day he was in coma. Came out, got about, I don't know how many stitches. He told me about 16 or 17 stitches. Came out. Again, Lenny Pasco was brought in to bowl to him. He bowled a bouncer to... he got a skull crack. Sandy. Lenny Pasco bowled him a bouncer. The same bouncer, he hit him 4 or 6. So that is the mental toughness of a cricketer. You know, unless you're mentally tough here, you know very well. You also played a good class of cricket here. Exactly. So that's what I've been. Sunny Bhai, yes, hats off. Hats off to you. Okay. Aapke son-in-law bhi Sandeep Patil ke ladke hai. Aur aapko, jo 83 movie aa raha hai unka, usme Chirag Patil, Sandeep Patil sir ka role kar rahe. To, आप कितना एक्साइटेड हो उसके लिए? अरे क्या है ना, ये वी ऑल वे एक्साइटेड कि 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. कोरोना ने सबकी वाट लगा दी है, पूरा एक साल पीछे कर दिया है, पूरा यू नो कैलेंडर ही पीछे कर दिया है. बट यस ऑफ कोर्स, लाइक यू नो वन थिंग इज देयर कि चिराग फॉर दैट मैटर ही नेवर लाइक क्रिकेट एट ऑल. ही नेवर वांटेड टू प्ले क्रिकेट, बट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही इज डन फॉर दिस मूवी फॉर getting into the shoes of Sandeep Patil, his dad, is not easy. When you don't know cricket, when you don't know batting, when you don't know anything, and then you have to look like a legend. And that too, exact copy. There is no special effects in that because he's grown. Of course, he looks like his dad also. But the amount of hard work he has put in is commendable. I'm really looking forward to it, yaar. I don't know when it will be released. Will it be released or not? Will it be released this year? I have no idea. So I'm really looking forward to it. Yeah. Okay. मैंने एक बार आपका पोस्ट देखा था कि उसमें आपने लिखा था डिप्रेशन के बारे में, आपके जो लाइफ में जो एक खराब पैच आया था लाइफ में, और जैसे रिया मैडम भी वो आपने लाइफ में आए, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ, तो आप जरा बताएंगे उसके बारे में कि आजकल बहुत हो रहा है, डिप्रेशन बहुत चल रहा है. एक चीज होता है ना, डिप्रेशन जब आता है ना, आपको पता नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो. आप जब नाउ यू गो टू अ बार, यू टेक अ ग्लास ऑफ बियर और यू टेक अ ग्लास ऑफ विस्की, जब आप पीते हो तभी आपको पता नहीं चलता कि आप आगे चल के अल्कोहलिक बनने वाले हो.
कोई डिप्रेशन होने के लिए कोई कुछ चीज नहीं करता, कोई एडिक्ट बनने के लिए चीज नहीं करता, दैट इट लीड्स ग्रेजुअली ओवर देयर. यस, मेरा ज्यादा करके माय डिप्रेशन एंड माय अल्कोहलिज्म वाज रिलेटेड वेरी मच टू द फैक्ट दैट आई हैड टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट वेरी अर्ली. अच्छा, बिकॉज आई रिटायर्ड एट द एज ऑफ 27. एंड In fact, I was talking to Sachin the other day. We met about March, mein mile the, just before yeah. Corona and all this stuff. So he was playing in DY Patil. So we had a long chat. You know, we met after a year or something of the sort. We had a long chat. Bahut maza aaya with Vijay, Dr. Vijay Patil, apne president MCAK, and we all were there together. Sairaj was there. It was so good fun. And I really couldn't remember ki kab mera इंजरी हुआ था. तो उसने मेरे को एग्जैक्टली बताया कि कब हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर इंजरी हुआ. आई वांटेड टू गेट बैक टू द क्रिकेट अगेन. एंड ऑपरेशन हो गया था. ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था. तो डॉक्टर ने जिसने किया था उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है. आई हैव नो आइडिया क्यों किया ऑपरेशन, पता नहीं मेरे को. उसने मेरी मैं भी गधा था उसके पास जाने के लिए. बट माई क्रिकेट एंडेड आफ्टर दैट. यू नो, 3 months के बाद he told me to run, set fracture वगैरह सब कुछ हो गया. Once my I came to know cricket end हुआ at the age of 27. I said at the age of 17, when one doctor told me I had broken my back into 2 places, spine टूट गया था. तो he said कि you'll never play again. I came back from that. But this was nothing. This was a bone tumor which was not cancerous, luckily. तो उसके बाद मेरे को पता चला कि 2 साल आई वोंट शुड नॉट बी जॉगिंग एट ऑल. आई शुड नॉट बी वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस आल्सो. 2 या 2.5 साल, 2.5 years to 3 years इफ यू डोंट जॉग फॉर अ क्रिकेट प्लेयर इट्स अ लॉन्ग 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 टाइम. सो आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट आई शुड बी डूइंग, बिकॉज एक तो मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं 12th पास हूँ, वो भी कैसे भी ऐसे करके पास हो गया. लेकिन आफ्टर दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू. लकीली My parents were good looking, so I got acting का offer, because 96 में acting का movie का offer आया था. Luckily मेरे को आ गया वो. But then back of my mind, I never wanted to become an actor ever in my life. वो करना पड़ा. I wanted to come back to the game because at 27 nobody retires, and I was bowling the best in my life at that time. I think we were playing a match against New Zealand जब ये injury हुई, and Mark Great Batch को मैंने bouncer डाला था. That's what I came to know from Satch. Bouncer Dada, and he got so shook up because he really couldn't see the ball. I was bowling my fastest that day. Next ball, I fell down. My cricket ended over there. So every night, you know, I used to keep on feeling this, you know, what the... I can't say give gali here. मेरे को गाली बहुत आती है यार बात करते हुए. So I mean, I used to think to myself, why me? You know, at the age of 12, I worked so hard up till that time. And would you believe in 97, for that 97 for the West Indies tour, even Srinath and Venkatesh were not, they were injured. So both were not, Srinath went and came back. So I could have actually gone, but the injury aa gaya. So I mean, the cricket absolutely ended, and it was a shock for me. Because cricket had become my life, I only wanted to play cricket, bowl fast. I was an opening batsman at once upon a time in the university cricket. I started getting into the batting also. I said, like, you know, let's start, because you know, one day cricket was getting into the form. I could be a good scorer for 30, 40 runs, that kind of thing. So everything fell in place, and one day it just finally vanished. Why? Because the cricket, the injury also was not related to cricket at all. Another tube. So वो देखते देखते matches were happening. I used to see the matches. For सामने मेरा in front of my जहाँ पे सोता था, on my in front of my bed I had hung the India का sweater, India का jersey and one India का cap below my pillow. I slept like that for 5 to 6 years, you know. But then couldn't play. So that took a big toll in my life, because I finally started doing something which I didn't like, acting. और 5-6 साल मेरा दिमाग क्रिकेट में है, लेकिन मैं एक्टिंग कुछ कर रहा हूँ. So and it was not that, you know, I played some
I was playing for India, you know. So वो थोड़ा problem हो गया था. And then like, you know, कि उसके वजह से, you know, I started drinking a lot also, कि घर में फिर there were problems because of people didn't want me to drink. पर घर में बहुत सारे problems थे, वो तो अलग ही बात है, that's a different thing. कौन से घर में problem नहीं होता है. But I think this playing cricket very early took a bad toll on me. That was the whole thing. So उसकी वजह से जो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ till I met Riya again. तो रिया मैडम का कितना बड़ा रोल था उसमें? रिया मैडम का इतना बड़ा रोल है कि आज I wouldn't have been sitting here talking to you. अगर रिया नहीं आती लाइफ में तो शायद मेरा 52nd बर्थ एनिवर्सरी मनाते, मैं सामने बैठ के बात नहीं करता तुमसे. सो आई वुडंट हैव बीन अलाइव विदाउट इट वाज़न्ट फॉर हर. ओके. थोड़े साल पहले रिया मैडम ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, तो बहुत सारे रिजल्ट मिलते गए, और इवन मैंने भी लास्ट ईयर लिया तो मुझे भी फायदा हुआ था. मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, ब्लोटिंग होता था, क्योंकि आई एम जस्ट 29 नाउ. और ये स्टार्ट कब हो गया? मोस्टली व्हेन आई प्लेड रणजी ट्रॉफी, तब जहीर खान खेले थे, वो मैच में सूरत में मैच था, तो इमीडिएटली जाता था, और हम लोग ने ऑलमोस्ट पौने दो दिन फील्डिंग किया था, तो वो टाइम स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक ग्रुप हम खेलते इतना इंटेंसिटी नहीं रहता है, और रणजी ट्रॉफी 4 days का गेम रहता है, तो तब फील्डिंग किया था. पौने दो दिन किसके साथ फील्डिंग किया था? सौराष्ट्र के साथ. ओके. पुजारा आउट हो गया था, फिर भी पिच बहुत सुंदर था, तो वो टाइम से मुझे स्टार्ट हो गया. एक बढ़ता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हमें डाइट में एग्जैक्टली अरे तुम कितना है, तू 29 इयर्स का ओल्ड है, तेरा कौन सा वो एज बड़ा हुआ है यार? नहीं मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ. 29 में इतना रोता है तू यार, छोड़. नॉर्मली कैसे उठते इतना बढ़ गया था कि आई कुडंट वेक अप ऑल्सो इन द मॉर्निंग, आई कुडंट डू एनीथिंग. देवर अ लॉट ऑफ क्या इसको क्या बोलते थे, ईसोफेगल जो होता है, ईसोफेगस, द थ्रोट, माय होल थ्रोट वाज करोडेड बिकॉज ऑफ यू नो ड्रिंकिंग एंड पता नहीं क्या 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 करता था. So, I mean, I consider that like, you know, abhi toh there, you don't have any problems at all, na? That's what Riya told me. इतना नहीं आ रहा, बहुत कभी ज़्यादा कुछ 100 बड़ा किया है, या फिर अगेन इंग्लैंड से आने के बाद जब पहली बार मैच खेलूंगा तो वो टाइम होता है, या फिर रेस्ट स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ तो वो टाइम. स्लीप प्रॉपर नहीं तो होता है. I'll tell you one thing, अभी कैसा है ना, Riya for that matter, na, she worked for 12 years with UNICEF, WHO and Bill and Melinda Gates Foundation. She worked for the government of India. So, her field only was public health. Jahan pe nutrition, HIV, TB, baki sab cheeze aati hai. So, this was, and even for, you know, adolescent health. Adolescence means like people, kids who are from the age of 7 to 19. अच्छा 10 टू 19, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी ना. आई मेरे को भी पता नहीं था क्या एज ग्रुप था वो, 10 टू 19, सॉरी डॉक्टर चिढ़ गई फिर से. शी जस्ट केम इन एंड मैं ये बात कर रहा था. सो दैट शी हैज बीन देयर एंड शी हैज क्योर्ड अ लॉट ऑफ पीपल विद दिस. एंड आफ्टर 12 इयर्स ऑफ वर्किंग फॉर दीज पीपल, आई मीन शी वर्किंग फॉर द UN एंड for WHO, UNICEF and all that, so it's not very easy. You have to work for at least about 22 hours a day. And she was continuously traveling and everything. So when I met her and all that stuff, of course, she had to cure me first. वो तो अभी दिख रहा है. I'm not bad. And she knows exactly how much nutrition. She's not a nutritionist. She's a clinical nutritionist. वहाँ पे थोड़ा difference होता है. Why clinical nutritionist में difference होता है? Because she's a qualified doctor, she's a MBBS. She knows exactly the human body, किस तरह से क्यों, what are the, how it is. Her mother is a doctor, her masi is a doctor, her grandfather was a doctor, she is a doctor. There are so many doctors in the family. So she's been brought up in the, but her mama is a doctor. So the whole doctor culture is there in the house.
And being a clinical nutritionist, she knows exactly what she has to prescribe. Now, for example, I don't want to get into the nitty-gritties because agar maine ulta seedha bol diya na, to phir woh interview ke baad chappal mere ko padne wali. So I'm not going to say all that. But you know, there is a different diet for thyroidism. There is a different diet for diabetes. There is a different diet for, whatever her patients come to. She's got about 3,000 to 4,000 patients at the moment all across the globe. So, but what I'm saying is, agar woh nahi hoti. And I'll tell you one thing about myself. When I started in 2012, I met her first. At the moment, I'm around about 98 kgs. When I met her first, and I was in cricket playing days, I was always between 88 to 94. That was my weight in cricket playing days. Bahut zyada protein. I started eating a lot once I started, bodybuilding mein ghus gaya tha. So, तब वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने और वापस बट व्हेन आई मेट हर इन 2012 आई वाज द लोएस्ट इन माय लाइफ आई वाज 55 केजीस या आई हैड बिकम लाइक दिस लाइक अ आपण मराठी जरा सुकट बोंबिल झाला होतो माझं तसं होतं माय B12 लेवल्स वर गॉन माय हेमोग्लोबिन वाज डाउन टू 4 or 5% एक्चुअली आई शुड नॉट हैव बीन लिविंग एट दैट टाइम विद 4 or 5 हेमोग्लोबिन बट आई वाज लिविंग And इतने सारे प्रॉब्लम्स थे बट लाइक यू नो देन अदर डॉक्टर्स हैड गिवन अप दे वर फीडिंग मी यू नो व्हाट दही चावल एंड ऑल दैट स्टफ यू नो इफ यू गिव हिम टू मच फूड प्रॉब्लम हो जाएगा ही वोंट सर्वाइव एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग आई मेट हर शी सेड लाइक यू नो वन होल ईयर यू नॉट डूइंग एनीथिंग यू जस्ट गोना ईट सो ट्रस्ट मी ऑन दिस आफ्टर द फर्स्ट 4 months माय एपेटाइट स्टार्टेड कमिंग बैक So it was a gradual process which only she understood. It was a gradual process. Like, you know, after 4 months, my appetite came back. And from 55 or 60, I went to 140 in a year. Okay. She said, like, I don't care even if you get fat. Which, because she wanted me, my D3 levels, my B12 levels, my hemoglobin, everything to come back in excess. And food means what? I used to eat a lot of meat. I'm a Konkani. So I eat a lot of fish and meat and chicken. I can't do without. Maybe the vegans won't like what I'm saying, but I don't care. But I ate a lot of food. 1 kg meat at one time I used to eat. And like, you know, that went on for a year, put on 140 kg. And then after that, she said, now you stop. She got my blood test done. Now you stop. Now we start put you all to exercising. So even post exercising, gradually she started controlling my diet to maintain my muscular weight, get down my fat levels. So this is how she worked on me. And it took a long time. It took about almost 1.5-2 years to get back to physique and everything. Post my addiction days ka end to 2 years of getting back my physique. So it was a long, stressful time for her also and for me also, but we survived. And like sometime back you asked me, that's why I keep on telling what I am today, where I'm sitting today is only because of her. That's why whenever anybody asks me, like, you know, should we trust her diet? Actually, it's up to you. You trust her or not, but I'm here because of her, because I trusted her. So it depends. So a lot of people do understand that. Right. आपके पास वो photos हैं आपके 55 kg and 140 kg. हाँ है. आपने फेसबुक में पोस्ट नहीं किया शायद मैंने देखा नहीं कभी क्या करने का फेसबुक पे पोस्ट कर दिया किसको दिखाने का है मेरे तो मोटिवेट हो जाएंगे ना जो भी ऐसा देख के माय बुक इज कमिंग आउट ना इन सम टाइम सो आई एम राइटिंग एक्चुअली आई एम नॉट राइटिंग आई एम जस्ट नरेटिंग इट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड सुहेल माथुर सो अभी तक आ जाना चाहिए था वो बोल रहा था ना वो कोरोना ने सबकी वाट लगा दी है तो उसके लिए थोड़ा अभी डिले हो गया इट विल कम आउट looking forward to it yeah aur aapka Sal's biryani oh yeah Sal's biryani bolo kya uske bare mein bolo wo matlab aapko kabhi kaise idea aaya wo Sal's biryani ka ye mera idea nahi hai ye mere bete ka idea hai jo tumhare sath dost hai facebook pe karan aur riya ka idea tha actually I've been cooking for the past 20 how many years now 29 years 91 mein shuru kiya tha
I started making biryani from 96, and now it has been perfected. But then I opened a small, delivery kitchen. But that biryani is not meant for delivery kitchen on Swiggy and Zomato, because people want their food for 150 and 200 bucks on Swiggy and Zomato. I can't afford that. So, अच्छा भी खाना है, पैसे भी नहीं देना है, वो थोड़ा मेंटालिटी अपने को जमता नहीं ना. तो देन बट द थिंग इज लाइक यू नो आई विल ओपन अ रेस्टोरेंट वेरी सून. आई स्टॉप्ड इट अबाउट लास्ट ईयर ना, सितंबर में लास्ट ईयर में बंद कर दिया, बिकॉज एक तो माय प्रोफेशन एंड देन लुकिंग आफ्टर द साइंस बिरयानी बाय व्हाई, बिकॉज आप कुक्स रखते हो तो दे यू नो हाउ, सिंस स्वतः मिल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ते म्हणतात ना, तसंच होतं ते. I mean, I had to be there 24/7, otherwise they would mess up the whole thing. I don't like, I mean, I like to be perfect in whatever I do. So we close out, we will open a restaurant very soon. Hopefully in a year's time, we'll open it. Yeah. Okay. किसी को कुछ question पूछना है तो comment कर दो. Sir, एक का question है, how were you able to get through from that time? Get through? Your tough time. जो भी आपका जो टफ टाइम था उससे आप गेट थ्रू कैसे हुए? ये पूरा इंटरव्यू देखा नहीं लगता उसने. मैं इतना बोला अभी आधे घंटा उसके बाद. सर मुझे क्या ये था कि जो भी है आपकी लाइफ में, रिया मैडम भी आई, फिर भी जब तक आप कुछ नहीं करते थे तब तक कुछ नहीं होता था, फिर वो आपके अंदर आया कैसे, मोटिवेट कैसे किया? आजकल की दुनिया कैसी हो गई है ना, कि अगर तुम जिम में जाते हो तो जिम में जाने के पहले तुमको प्री वर्कआउट चाहिए. हाँ. जिम करते समय आपको BCAA चाहिए, जिम होने के बाद आपको प्रोटीन शेक चाहिए, बराबर. ये सब इधर है कि प्री वर्कआउट के सिवा मेरे को आई वोंट बी एबल टू वर्क आउट. BCAA के सिवाय मेरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और पोस्ट वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक नहीं पिया तो मैं, हम लोग के पास क्या था यार, प्रोटीन शेक था कुछ नो प्री वर्कआउट, हमारा सब इधर ही था, प्री वर्कआउट प्रोटीन शेक एवरीथिंग वाज हियर. क्या होता है ना कि देर आर अबाउट थ्री काइंड्स ऑफ पीपल आई ऑलवेज बिलीव. वन इज हु वांट्स टू कम आउट ऑफ दैट, वन हु डजंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट, एंड वन हु नेवर विल कम आउट ऑफ दैट. ओके, नेवर विल मींस things like that. There are so many cases which I'm seeing nowadays, you know, because somebody is ending their life because of this depression. You have to be somewhere inside, you got to be tough. And being tough, nobody can teach you that. You got to be yourself. You got to be tough yourself. And of course, jo man mein baat hai na, you have to say it. Agar aap andar hi daba ke rakhoge, किसी से बात नहीं करोगे, मैं पहले बात नहीं करता था. आई शुड नेवर से व्हाट इज इन माय माइंड, व्हाट इज इन माय थॉट्स एंड ऑल दैट स्टफ. वंस आई मेट रिया, आई एम टॉकिंग अबाउट रिया कबाई व्हेन आई वाज 44, सो तभी मैं बात करने लगा, एंड आई एम टुडे मच मच बेटर अ फ्री मैन. यू नो द मोर यू वाइब्रेंट, द मोर यू टॉक, अंदर में दमा दबा के रखो ना, तो फिर वो यू गेट सो बॉटल्ड अप. इन द एंड क्या होता है, there's an explosion, either you go and drink, either you go and use, or either you go and do something which you really should not be doing. I should put say like that. Kyunki mere family mein bhi ye aisa hua hai, you know, somebody has lost their life because of depression, and I really don't understand ki, you know, ki agar wo person baat karta to shayad he or she would have been alive today. You know, so it's much better to vent it out. And of course, once you start talking, you will realize ki you automatically start getting mentally tough. You know, you have to vent it out. You can't bottle things up ever. That's the only way that can happen. That's the only way. And never get into too much of treatments and all that stuff. You know, yeah. Because ट्रीटमेंट से क्या होता है ना, यू गेट एडिक्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑल्सो. यू नो यू शुड नॉट बी टोटली मेडिसिन डिपेंडेंट, यू गॉट टू बी वर्किंग ऑन योरसेल्फ. यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू, देयर आर सो मेनी थिंग्स. द बेस्ट पार्ट इज टॉकिंग, बात करो किससे भी, बात करो.
just talk it out. That's the only thing. Okay. Next question is from Suhas. Some important things to do for a fast bowler. There are not only some important things, there are a lot of important things. First of all, a fast bowler is from here. Okay. You should be prepared to do 10 times more fitness levels than a batsman. Because you are the workhorse of the team. You have to run all that thing, the long run up. I used to have a run up till more than the 30 yard circle also. Achha. So, long run up, you got to be fit. You don't have to be carrying extra weight. Your fat percentage should be very low, around about to the age of, area of 10 to 12. You got to be muscular. You got to be training for explosivity, not the normal training out at all. Every cricketer should be doing that. And basically eating right. And of course, you should be able to bowl fast. That's a natural ability. Right. You know, you can't, of course, you can, there's a fast bowler, you can nurture him to become a better bowler also. But naturally also, you have to have the ability of bowling fast. Fast. Yeah. Because if I go to this, I'll understand the whole thing, then I'll take 3-4 hours. Oh, yes. एक सिद्धांत कुलकर्णी का क्वेश्चन है. हाय सलील सर, हैविंग प्लेड फॉर द कंट्री, डू यू थिंक इंडिया इज अ ग्रेट लविंग कंट्री और अ ग्लैमरस क्रिकेटिंग लविंग कंट्री, बिकॉज पीपल इज दे बेरली फॉलो डोमेस्टिक गेम्स एंड प्लेयर्स. इंटरेस्टिंग. सी, आई कम फ्रॉम एन एरा वेयर डोमेस्टिक क्राउड, हम लोग जब वानखेड़े में खेलते थे, देयर यूज्ड टू बी 20-25,000 पीपल वॉचिंग अस प्लेइंग, व्हाट डू यू कॉल दैट, रणजी ट्रॉफी गेम्स. हमारा जो ऑफिस का गेम्स था, सनराइज वर्सेस टाटास, दोज आर द टू वेरी ब्रिलियंट साइड. उधर भी वी यूज्ड टू हैव पीपल लाइक 10-15,000 पीपल आते थे. व्हाई दे यूज्ड टू कम? दे यूज्ड टू कम बिकॉज दे यूज्ड टू लव द गेम. Okay. Now, who are the people who make the cricket glamorous or lovable? Are people like who is asking the question? Will he go and see a Ranji Trophy game? Ask him first. Then. So if he does, then it's good. How does a game or a acting become glamorous? Because people follow that person. People want to become like that person. Okay. That's why there, when you have followers. I'm so sorry to say here, because like, you know, we have cricket. I mean, we have other sports also, but cricket, for that matter, it has been going in played in our country for more than 150 years, and there is a certain kind of glamour attached to it, right from the Gavaskars to the Lala Amarnath days to even long before that also. So, people want to become like those people, and who because of whom is this glamour attached to? Because of the people, because of the followers. So, I think, like, you know, it's not a question, like, you know, glamorous or no. It's all about if people would really want to see. Why is Mumbai T20 also getting a lot of followers? Mumbai T20 doing well. So, yes. People are looking forward to watching it. So, it is all about people wanting to watch good games, good cricket. Agar aapko sirf chauke chakke dekhne hote to people should understand cricket to follow. So, I mean, that's what I feel. Okay. Akash Shetty ka question hai, any tips to improve accuracy when bowling? Accuracy when bowling is only done when you will sirf batsman ko bowling dalke hota nahi hai. You know, ek stump laga, then you have a grid bowling where you put the cones, where you want to aim and where you want to bowl. First and foremost, you have to understand how you form the grid. There are so many theories of so many different bowlers. Some bowlers used to watch the spot where they want to bowl. A great bowler like Dennis Lee used to watch the stump. If he wanted to bowl a bouncer, a Yorker, used to look at the top of the stump. Yeah.
good length ball, bottom of the stump. So that was his theory. But it all depends upon what him where he aims and all. The most practical thing to do is to bowl on a one single stump. The most practical thing to do. And then if you're an in-swinger, then you have to take the off-stump. If you're an out-swinger, you have to take the middle stump. That kind of thing. Right. सर आपने एक्टिंग करियर जैसे एक्टिंग 1999 से स्टार्ट हुआ आपका एक्टिंग करियर राइट तो उसमें आपको कुछ स्ट्रगल हुआ क्या बहुत सारा स्ट्रगल हुआ यार जिसको एक्टिंग आता ही नहीं थे जिसके बाप दादा ने एक्टिंग नहीं किया जिसने कभी सोचा ही नहीं कि एक्टिंग करूंगा वो एक्टिंग में जा रहा है और क्यों जा रहा है बिकॉज आई मीन देयर वाज तभी क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं था सो छूटने के बाद करूँ क्या ना तो मैं इंजीनियर हूँ ना तो डॉक्टर हूँ ना कुछ है मैं 12th पास हूँ आई एम 52% इन 12th वो जो मेरे को पढ़ाने को आता था वो फेल हो गया मैं पास हो गया ऐसा हो गया पता नहीं कैसे तो संजय जोशी इफ यू आर लिसनिंग टू इट दैट्स यू सो नो आईडिया ना बट द थिंग इज वो रिपीट द क्वेश्चन अगेन क्या बोल रहा था स्ट्रगल हाँ तो वंस देन व्हेन आई केम इनटू इट आई सेड लाइक यू नो आई डोंट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन looking like a fool. I got to learn. So, and whom I was replacing, there was another actor called Sharad Kapoor. Pehle, bahut saari filmein ki hai usne. I was replacing him in a serial. Usne serial chhoda kyunki uske paas time nahi tha, he was doing a lot of movies. So I said, like, you know, I better learn. So tabhi, Nana Patekar used to be a very dear friend. I've not met him for a long time. But I asked him, karu kya? गाउनकर ऍक्टिंग म्हणलं ते तुम्हाला सोपं आहे गाउनकर ऍक्टिंग मी तुम्हाला बाउन्सर टाकू का म्हटलं दॅट्स व्हॉट माय होल थिंग वॉज तर नाही नाही देन ही स्पोक टू द डायरेक्टर देन आय अंडरवेंट ट्रेनिंग फॉर अबाउट फोर मंथ्स ओर फाईव्ह मंथ्स ऑर समथिंग ऑल्सो आय हॅव टू ट्रेन फॉर एटलीस्ट अबाउट 20 आवर्स अ डे एंड ऑल दॅट स्टफ की डायलॉग डिलिव्हरी कैसा होता है काइंड ऑफ यू नो व्हॉइस थेरपी लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर इवन कॅमेरा के सामने मैं used to give me scenes. I used to enact those scenes and I literally said like, no, yaar, tu kya kar raha hai? I mean, how are you going to survive? Because you're looking stupid on the screen. Itna idiot lagta tha. And waisa hi hua, mera first day of shooting in front of the camera, dialogue tha, main aa raha hoon. Ye bolne ke liye maine 40 take diya. main ke baad bhul hi jata tha ki, you know, ki kya bolne ka aage. So, director se aa raha hoon. So, the next day, I used to say, aa raha hoon. बट डायरेक्टर अरे मैं बोलना भूल गया ऐसे तो बोलो ना फिर क्या क्या सिर्फ आ रहा हूँ क्या क्यों बोल रहा हूँ लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स कवरिंग दैट फर्स्ट डेब्यू एंड ऑल दिस लकीली आई वॉज डेस्टिंड टू प्ले क्रिकेट टू प्ले टू कम इन टू एक्टिंग टू ओपन सेल्स बिरयानी एंड डेस्टिंड टू लिव आफ्टर 44 ऑल्सो सो आई एम हियर देखते लेट्स सी लॉट ऑफ स्ट्रगल And it was not taken very kindly as to say ki a cricketer has come into acting. Because it's an alien feel for them, you know. For kisi, agar kisi sher ya kisi koi bhi janwar ke territory mein aap ghus jate ho na, to dusre janwar bokhla jate. You know, they feel scared. So, waisa hi hua tha, people were on their guard. But luckily, I survived. People took me. They liked my work, so there where I the earlier question of thing, that's where the glamour part came in, you know. Okay, so acting के बारे आपको अभी जो TikTok चल रहा है, तो उसके बारे में क्या क्योंकि आपको इतना struggle हुआ है आजकल जो भी है TikTok पे घुसे हुए और उनको suddenly अचानक किसी को भी fame मिल जाता है, तो आपको आपको उसके बारे में क्या कहना? क्या क्या TikTok? हाँ. What is that? I mean, that's some app, not TikTok or something. I have no idea about all these things. Yeah. I'm not on TikTok. I'm not on Twitter. Bhi kabhi kabhi use karta ho. I'm only on Insta and I don't even know what TikTok is. So some people keep on sending me those videos. Wo main kabhi wo masti karne ke liye post karte rehta hu. Abhi ye apne session ke beech mein post kar diya maine. I have no idea about what TikTok is. Yeah. Okay. So, sir, last message to all the youngsters. आपको क्या रहे? See, I'll tell you one thing. Nowadays, ये जो Instagram, social media पे जो कुछ पढ़ने को मिलता है ना, इनको पढ़ने को मिलता है, सुनने को नहीं. इसके ऊपर भी सवाल करेंगे नहीं तो.
जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, पढ़ने को मिलता है, पढ़ने से आग से पढ़ते हो, तो डोंट रियली गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स. आजकल जो ट्रोलिंग चल रहा है, ये चल रहा है, इंस्टेड ऑफ लिविंग हार्मोनियसली ना, यू शुड लिव टू एंजॉय, हैव अ गुड लाइफ, मस्ती करो, डोंट बी फॉर 24/7 ऑन सोशल मीडिया. सेकेंड थिंग इज always have an open mind, live freely, say no to all this addiction and alcoholism. Masti mein karo, don't take it too hard, don't overdo it, don't abuse it. That's all I got to say. Just live life, bindaas raho, bindaas raho. Okay, thank you sir for coming live, hope you enjoyed. Absolutely, had a lot of fun, good fun. Yeah, thank you sir, take care Kausa. All the best. Yeah. Thank you. Same to you for your acting future endeavors. Yeah. Thank you so much. You'll be surprised in some one month what you're going to hear. Look forward to that. Okay. Thank you. Bye.